सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। सऊदी अरब को एक तरफ रखते हुए पहले आपको बता दूं कि जापान ने तगड़ा झटका इसराइल को दे दिया है। नेतन्याहू की सरकार जब से आई है, नेतन्याहू के इरादे बहुत बुलंद थे और अचानक नेतन्याहू की सरकार ने फिलिस्तीनियों पर बे इंतहा जुल्म करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो जर्मनी फ्रांस कल तक इसराइल के साथ थे वो भी थोड़ा सा दूर हो गए। ऐसे में ख़तरनाक हिंसा को देखते हुए जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने भाई साहब फ़ोन मिला दिया इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर को और कह दिया कि जिस प्रकार से टेंशन बढ़ रही है, अभी तक तो हम नहीं बोल रहे थे लेकिन टू स्टेट सॉल्यूशन इस बढ़ते हुए टकराव का एक बड़ा हल है और यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। यानी जापान जो कल तक खामोश था टू स्टेट सॉल्यूशन पर, जापान ने इसराइल के मुंह पर कह दिया कि टू स्टेट सॉल्यूशन तो भाई निकालना पड़ेगा। वहीं सऊदी अरब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सऊदी अरब काफ़ी वक्त, मुझे नहीं पता, मैं अभी भी सऊदी अरब के इस स्टेटमेंट में भरोसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सऊदी अरब ने बोला है, यही हफ्ते में बड़ी बात है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, बयान जारी किया है, ये ऑफिशियल बयान है और कहा है नेतन्याहू की सरकार को कि टू स्टेट सॉल्यूशन ज़रूरी है। सऊदी अरब ने सीधा सीधा कह दिया है कि इसराइल से नॉर्मलाइजेशन तभी करेंगे जब इसराइल फिलिस्तीनियों का हल निकालेगा और टू स्टेट सॉल्यूशन जो है ये प्रपोज़ल सऊदी अरब का ही है। तो ऐसे में सऊदी अरब को चाहे आप मजबूरी में कहिए बोलना पड़ रहा है या सच में उसने बोल दिया ये नहीं पता, लेकिन सऊदी अरब ने बोला है और ये फिलिस्तीनियों के लिए काफ़ी अच्छी बात हो गई है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जैक सिविलियन ये अमेरिका के NSA हैं और ये पहुंचे थे इसराइल ईरान के खिलाफ नई रणनीति बनाने के लिए और इसराइल के बाद उन्होंने फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मुलाकात करी। महमूद अब्बास ने इसराइल की जमकर शिकायत कर डाली और कहा कि इससे पहले बहुत देर हो जाए आपको इसराइल के खिलाफ कदम उठाना होगा, इसराइल को रोकना होगा, क्योंकि इसराइल गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीनियों को मार रहा है और हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। वहीं आपको दोस्तों हर दिन बताता हूं कि इसराइल ने आज इतने लोगों को मार दिया, इस बच्चे को मार दिया, इस लड़के, अब आज इसराइल का हिजड़ापन दिखाता हूं। इसराइल ने 5 छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार करके अपना जो हिजड़ापन है देखिए। يا ردي مش بدك فيهم اولاد يا سلام اولاد يا معلم اولاد شو بدك فيهم يا رديم يا رديم شو بدكم فيهم يا معلم معلم اولاد صغار يا سلام اولاد صغار اولاد صغار شو رجع لورا من حقنا يابا من حقنا نصور بڑی خبر آپ کو بتا دوں دوستو اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ سیریا میں अमरीकी एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला हुआ। उन तीनों ड्रोन को कहां से लॉन्च किया गया था, किसने किया, कौन पीछे था नहीं पता, लेकिन अमरीका ने उन तीनों ड्रोन्स को तो मार गिराया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में 2 से 3 सीरियन लड़ाके ही घायल हो गए। रिपोर्ट यह है कि वो सीरियन फोर्सेस जो है अमरीका की मिलिट्री के साथ मिलकर ही ज्वाइंट ऑपरेशन करती है, इसी वजह से उस वक्त सीरियन 3 फौजी घायल हुए हैं, अमेरिका का कोई सैनिक घायल या मारा नहीं गया। लेबनान की गवर्नमेंट और लेबनान में ही रहने वाले हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह में ऐसे थोड़ा थोड़ा रहती है, इसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका लेबनान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, इसी वजह से तो लेबनान ने इसराइल के साथ डील कर ली है। अब आपको बता दूँ कि अमरीका ने कहा है कि हम लेबनान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे, उसकी सिक्योरिटी को और मजबूत करते रहेंगे ताकि लेबनान की गवर्नमेंट हिजबुल्लाह का सामना कर सके। उधर दोस्तों जॉर्डन ने $4.2 बिलियन की डील कर ली है अमेरिका से। जी हां, 16 F-16 विमान जिसके लिए तुर्की तड़प रहा है
वो जॉर्डन ने डील कर ली और जॉर्डन को मिलना शुरू हो जाएंगे अमेरिका के F-16 विमान। उधर जर्मनी ने यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में, यूरोप की पार्लियामेंट में कहा है जोर देकर कि जैसे तैसे कीजिए, चाहे जो मर्जी कीजिए, ईरान पर पाबंदियों को बढ़ाइए। अब मैं ईरान की जानकारी आपको दे दूं, ईरान में फिर से प्रदर्शन ने थोड़ी सी स्पीड दोबारा पकड़ी है। जी हाँ, हालांकि ईरान की सरकार काफी सख्ती से काम ले रही है, लेकिन ईरान के बड़े शहर जहदान में यह प्रदर्शन फिर से देखा जा रहा है। दोस्तों, ईरान में बड़ा मसला एक और खड़ा होने वाला है। ईरान के सुन्नी उलमाए दीन के जो सबसे बड़े मौलवी हैं, मौलाना हैं, उन्होंने ईरान की सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार को अपने संविधान में बदलाव कर देना चाहिए। उधर आप जानते हैं, स्वीडन नेटो में शामिल होने के लिए तड़प रहा है, लेकिन तुर्की ने टांग अड़ाई हुई है। तो अब स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं तुर्की बातचीत करने के लिए। देखना यह है कि अब दोनों के बीच बात किस मोड़ पर जाकर रुकती है। अमेरिका के अंदर तुर्की की डेलीगेशन गई थी, अब बताया है तुर्की ने कि हमने F-16 नहीं बल्कि F-35 विमान को भी लेकर अमेरिका से बात करी है। तुर्की ने फिर बताया कि हमारे बॉर्डर पर, सीरिया के बॉर्डर की तरफ से हमारे बॉर्डर पर हमला हुआ, जिसके बाद हमने सीरिया के बॉर्डर पर हमला करके 11 PKK के आतंकियों को कत्ल कर दिया। पेरू के बारे में अक्सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए अभी भी वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। पेरू ये वही देश है जिस देश के प्रेसिडेंट ने अपने देश पर कब्जा करना चाहा था मिलिट्री की हेल्प से, लेकिन हुआ ये कि गिरफ्तार कर लिया गया प्रेसिडेंट को। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उपराष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति बना दिया, महिला राष्ट्रपति को, तो जनता उस उप महिला राष्ट्रपति के खिलाफ सड़क पर उतर आई। ये प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है। अब अगली तस्वीर देखिए, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग में प्रदर्शनकारी यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उस बिल्डिंग में भी आग लग गई। ये हिंसक प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पेरू की हालत अभी भी 15 दिन से खराब चल रही है। मिडिल ईस्ट की कोई भी बड़ी खबर मैंने छोड़ी नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो दूसरों से भी करवाइए, और लाइक करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में दुआ लिखना मत भूलिए हमारे लिए। जय हिंद।